महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडिया की तीसरी बैठक की तैयारियों पर चर्चा की। बता दें कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक आयोजित की जाएगी। गठबंधन में फिलहाल 25 विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। मुंबई के बांद्रा में उद्धव ठाकरे के साथ मोतीश्री में मुलाकात के बाद नाना पटोले एक मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी दल के नेता बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। हमने इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आज मोतीश्री में एक बैठक की और इसके लिए एजेंडा तैयार किया। मीडिया को संबोधित करते हुए पटोले ने अपने बयान में आगे कहा कि हमने एक योजना पर चर्चा की है। हमने यह तय किया कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन की ओर से एक संदेश दिया जाना चाहिए कि इस बार देश से नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है। आइए आपको भी सुनाते हैं नाना पटोले ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो इंडिया अलायंस का मीटिंग मुंबई में होने जा रहा है, ये मीटिंग बहुत अच्छे से हो और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार जो बैठी है उस सरकार को सत्ता से बाहर करना, यही मकसद है। क्योंकि इसी मुंबई से महात्मा गांधी जी ने चलो जाओ का नारा लगाया था और 150 साल जो अत्याचारी अंग्रेज की सत्ता थी उसको यही मुंबई से पूरे देश में आवाज गया था। उस समय में भी महात्मा गांधी की आवाज़ थी, अब राहुल गांधी की आवाज़ है। और मुझे लगता है कि मुंबई की ये जो इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो, उसी लिए आज मातोश्री पे हम लोगों का एक मीटिंग हुआ और एक प्रॉपर रणनीति, एक प्रॉपर एजेंडा उसमें हमने डिसाइड किया। ये सरकार में गड़बड़ी बहुत है, ये सरकार में आपस में जनता के पसीने का पैसा लूटने की एक होड़ लगी हुई है। ये एडे की सरकार है, यानी पहले ईडी की सरकार थी, अब एडीए की सरकार हो गई और ये एड़े बन के पेड़े खाने का काम इनका चालू है और जनता को लूटने के सिवा ये दूसरा कुछ आता नहीं है। आपस में ये लड़ रहे हैं और इससे महाराष्ट्र की जनता का बड़े पैमाने में नुकसान हो रहा है और महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस इन दिनों एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। गुरुवार को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की समीक्षा की थी। पटोले ने कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिए कि चुनाव में अभी समय है, इसके लिए मेहनत करें, हमें हर सीट जीतनी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।